मैं जानती हूँ कि इस वक्त आपको किसी की कोई बात नहीं सुननी है, पर मैं आपके बेटे का पक्ष लेकर नहीं आई, आपको पूरी बात बताने आई, क्योंकि अगर सच जाने बिना आप अपने बेटे को सजा देंगी तो ये उनके साथ अन्याय होगा बाबू। आपको तो रूठी रूठाई बैठी है, खुद का गुस्सा तोड़ेंगे और खा लेंगे और पेट भर लेंगे। अरे थारा क्या होगा मीना, तू तो भूखी मर जाएगी। अब तू मर गई ना तो ये तो दो दिन ही लगाएंगे हमारी सौतन लाने के लिए। बाबू आपको लगता है कि आपके बेटे ने सिर्फ और सिर्फ मेरी खुशी के लिए नाटक किया, पर ये पूरा सच नहीं है बाबू। उनके ये सब करने के पीछे एक वजह आपकी खुशी भी थी। यह वो सच्चाई भाभी जो आपको बतानी बहुत जरूरी थी। अब इसके बाद आप चाहे जो फैसला लें, मैं माँ बेटे के बीच में ना कल थी और ना कभी आऊंगी। एक काम करती हूँ, दो तीन लड्डू गपा गप खा जाती हूँ, जाने तो जहान है, जितना भी तो रहना है। हाँ मीना तू खा ले। खाना खाने के लिए नोता आने का इंतजार कर रहे हो, खाते क्यों नहीं? संध्या बीनी, जी बाबू। सूरज का जिमेगा नहीं के सूरज, अंतिमता में और भी बहुत काम है तारी इंतजार की ड्यूटी करने के अलावा। चल चल खाना खा ले। बाबू मुझे भूख ना है। बाबू तू बता पहले, तूने मुझे माफ कर दिया ना? मैं थारी तरह बात पकड़ कर बैठी ना रहूं। जन्म दिया है ना तुमने, तो मुझे भी लड़ने का, रूठने का और रूठ कर मान जाने का हक है। खाना खा ले, नहीं तो थारी लुगाई के सामने थारी गाल पर दो तमाचा दूं। अरे नाटक ना होगा, असली होगा। चल खाना खा ले।